देखो आज मैं आपको क्या कवर कराऊंगा स्टूडेंट। आज मैं आपको सीएसएस के अंदर फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। तो फ्लोट प्रॉपर्टी हम कैसे यूज करेंगे, इसको मैं सेव करता हूं। तो डेस्कटॉप के ऊपर देखो एक फ्रेम बना ले, जो एक फोल्डर हम मेंटेन कर लेते हैं। माउस का राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, यहां से इस पे फोल्डर पे जाओ, टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम इसको सेव करेंगे, सीएसएस डॉट डॉट एचटीएम। तो यहां पे देखो हम इस पे क्या काम करते हैं, यहां पे बॉडी के अंदर जाके मैं इसमें जाता हूं, विन वर्ड खोलता हूं। विन वर्ड में जाके मैं यहां से एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, रेंड करता हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं एक यहां से पैराग्राफ ले लेता हूँ, कॉपी किया इसको और यहां मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, इसमें मैं जाऊंगा टेस्ट के अंदर, और जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, ये आपके पास इस तरीके से आउटपुट आ जाती है। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूं, यहां पे एक इमेज ले लेता हूं। ठीक है, तो ये देखिए आप डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो मैं यहां से एक इमेज का फोल्डर ले लेता हूं। मैं यहां से वे चेक कर लो इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो यहां पे इसकी प्रॉपर्टी बताएगा कि जेपीजी पिक्चर है। मैं कॉपी करता हूं इसको और इसको टेस्ट के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। दोनों प्रोग्राम एक ही फोल्डर के अंदर होने चाहिए। तो यहां पे अब मैं क्या काम करता हूं, एक स्टाइल यूज करूंगा। स्टाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, इधर मैं जाऊंगा यहां पे इमेज फ्लोट राइट। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने फ्लोट राइट जैसे इसमें लिख दिया, सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं बॉडी में जाऊंगा, इमेज सोर्स। इमेज सोर्स हमारे पास क्या है, गर्ल डॉट जेपीजी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। राइट ले लो इसकी 300, विड्थ ले लो इसकी 300, और यहां पे मैं इमेज टैग को क्लोज कर देना, नहीं तो मैसेज आने देते हैं। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये आप ये देखो, हमने राइट लिखा तो ये देखो एक जो ये पिक्चर है आपके पास, ये राइट साइड में आ रही है। ठीक है कि नहीं, अगर यही पिक्चर मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए तो मैं फ्लोट जो है यहाँ पे राइट की जगह ऐसे यहाँ पे लेफ्ट लिख देता हूँ। तो अभी तो देखो आप पिक्चर को यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा पिक्चर जो है आपके पास देखो लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास होती है, हमारे पास फ्लोट प्रॉपर्टी होती है। अब ऐसे ही स्टूडेंट जैसे लेफ्ट और राइट जो होते हैं ना, वो ज्यादा आपके पास स्टूडेंट हम नेहा और साहिल यूज करते हैं, लेकिन लेफ्ट और राइट के अलावा जैसे कि इनिशियल भी होता है, तो हम देख लेते हैं कि इनिशियल से क्या फर्क पड़ता है आपके पास। ये देखो जब मैं इनिशियल लगाता हूं तो क्या होता है कि जो टेक्स्ट है आपके पास, इट सेट्स द प्रॉपर्टी टू इट्स इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे देखो पिक्चर आपके पास ऊपर आ रही है, जो टेक्स्ट है वो देखो इसके यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो इतना स्पेस देखो आपका, इतना स्पेस जो है
वो आपका इतना स्पेस देखो ऐसे यूज हो रहा है, उसके बाद से ही स्टार्ट कर रहा है, तो ये होता है इनिशियल। अब ऐसे ही अगर हम ऐसे देखो लेफ्ट और राइट हम ज्यादा यूज करते हैं, तो इनिशियल हमने लिख दिया इस तरीके से हुआ। ऐसे देखो एक तो ये प्रॉपर्टी लिख लेना नेहा और साहिल, एक तो लेफ्ट होता है, राइट होता है, इनिशियल होता है, एक होता है आपके पास। अगर मैं यहां पे नन कर दूं जैसे, ठीक है, नन तो लगाया ना लगाया एक ही बराबर है, तो देखो नन से कोई आपके पास यहां पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहां पे देखो नन कर भी देता हूं तो उससे कोई उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दैट इज द नन, जैसे पिक्चर पहले थी वैसे की वैसी रहेगी, ठीक है कि नहीं। और अगर आप यहां पे मतलब कि इट स्पेसिफाइज दैट द एलिमेंट इज नॉट फ्लोटेड, कि कोई फ्लोटेड कुछ भी नहीं होगा, एंड विल बी डिस्प्लेड जस्ट वेयर इट ऑकर्स इन द टेक्स्ट, दिस इज ए डिफॉल्ट वैल्यू, तो जैसे पहले थी वैसे की वैसी रहेगी नन के अंदर। ऐसे एक होता है इनहेरिट, इनहेरिट, तो जब मैं इनहेरिट करता हूं यहां से रिफ्रेश करूंगा तो देखो ये नन इनहेरिट सब एक जैसा रहेगा। तो सबसे बेटर जो सी एस एस फ्लोट की जो प्रॉपर्टी आपके पास आती है, एक तो आती है लेफ्ट और एक आपके पास आ जाती है राइट, ये दो हैं। एक इनिशियल जो आप यूज करते हो तो वो भी कोई इतनी आपसे पूछेगा नहीं, आप ये लेफ्ट और राइट का इसमें आप ध्यान रखना। तो ये फ्लोट प्रॉपर्टी आप दोनों को क्लियर होगी नेहा साहिल, कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि सिर्फ आप दोनों ही पढ़ रहे हो इस समय मेरे पास। ओके नेहा आपको क्लियर है, इसका स्नैपशॉट ले लो नेहा, मैं इसको छोटा कर देता हूं, आगे तो पैराग्राफ ही पैराग्राफ है। हाँ ये ले लो स्नैपशॉट ले लो इसका, इतना ये देखो आगे कुछ नहीं, नीचे तो बॉडी एचटीएमएल ही लिखा हुआ है। ले लीजिए, ओके। अब देखो अनीश अब एडमिट हुआ है, अब देखो मैं आपको इसके अंदर फॉन्ट प्रॉपर्टी के बारे में मैं बताऊंगा। ये तो जो मैंने आपको बताया इसमें फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया, अब मैं इसके अंदर आपको फॉन्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। तो फॉन्ट प्रॉपर्टी देखिए हमारी कैसे काम करती है, मैं इसका थोड़ा सा इसको साइज बड़ा कर देता हूं और फाइल में जाके सेव एज करता हूं इसको, उसी टेस्ट फोल्डर के अंदर ही कर लेता हूं, css font.htm फॉन्ट प्रॉपर्टी, यहां से ये मैं सब हटा देता हूं। इसको भी मैंने यहां से हटा दिया। तो मैं अब यहां पे देखिए थोड़ा सा ये पैराग्राफ भी इतना ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ये है हमारे पास, तो अब इसमें देखिएगा यहां पे मैं बॉडी के अंदर ये इसको भी हटा देता हूं, ठीक है। बॉडी के अंदर मैं यहां पे क्या काम करता हूं, कुछ लिख देता हूं हेडिंग वन के अंदर, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे दिस इज हेडिंग वन, हेडिंग टू, दिस इज हेडिंग टू, दिस इज ए पैराग्राफ, सेव कर दो। अभी आप जब इसको देखोगे यहां से तो ये आपके पास देखो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब मैं यहां पे देखो इसमें क्या काम करता हूं, स्टाइल में मैं जाऊंगा, मैं यहां पे बॉडी करता हूं और यहां पे मैं फॉन्ट का जो साइज है वो मैं 100% कर देता हूं,
देखो किसका साइज बढ़ेगा आपके पास। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ से। देखो अभी किसी का नहीं बढ़ा, ये भी क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ये है पैराग्राफ का बढ़ना चाहिए था, पर ये है ही बाय डिफॉल्ट इतना। मैं यहाँ इसको बढ़ा देता हूँ, 400% कर देता हूँ। अब देखना, तो ये देखो ये जो साइज है आपके पास, मैं थोड़ा सा इसको यहां से देखो छोटा करता हूँ। ये देखो साइज आपके पास बढ़ गया अपना, ठीक है ना। तो इसको मैं 100% ही कर देता हूँ, जिसके ऊपर ये पहले की तरह आपके पास नॉर्मल रहेगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं फॉन्ट के अंदर। तो कलर आपको तीनों तरीके से देना मैंने बता ही दिया था स्टूडेंट, कि जैसे अगर आपको हेडिंग वन का कलर देना है, कल मैंने आपको बताया था, आप कलर रेड इस तरीके से भी लिख सकते हो। हेडिंग टू का देना है अपने कलर कि आप हेक्सा डेसिमल वैल्यू भी आप यहाँ पे दे सकते हो, #9000A1 आप इस तरीके से भी कलर दे सकते हो। आपको पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, कलर RGB रेड ग्रीन ब्लू, जैसे मैंने यहाँ पे रेड की वैल्यू दे दी 0, और इसके अंदर मैंने यहाँ से ग्रीन की वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे 220 कॉमा, और यहाँ दे दी मैंने 98। सेव कर दो, रिफ्रेश कर दो। तो ये देखो आपके पास इस तरीके से जो है ये वैल्यू चेंज हो जाएगी आपके पास कलर की। तो कलर देने का ये तरीका होता है, ठीक है। आप ऐसे भी जो है कलर दे सकते हो। नेक्स्ट जो इसके अंदर आपके पास आता है, फॉन्ट फैमिली आता है स्टूडेंट। फॉन्ट फैमिली कैसे, मान लो जैसे मैंने जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, मैं उसका चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट देखो फॉन्ट फैमिली कौन सा होता है स्टूडेंट, जो मैं आपको देखो इधर फॉर्मेट के अंदर मैं दिखाता हूँ, फॉन्ट के अंदर यहाँ पे। तो ये देखो आपके पास ना ये सारे फॉन्ट फैमिली होते हैं, जैसे ट्रेब्यूचेट MS में देखो ऐसा आएगा आपके पास, वरदाना में देखो इस तरीके से आएगा, ठीक है। विनर हैंड ITC जैसे ही यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें देखो ऐसा स्टाइल नजर आएगा। तो थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए मैं यहाँ से ये विनर हैंड, ये विनर का V बड़ा होगा, हैंड का ये देखो हैंड का H बड़ा होगा, और ITC पूरा कैपिटल लेटर में लिखना है आपने। तो यहाँ पे आपने लिख दिया विनर हैंड ITC, सेव कर दो यहाँ, रिफ्रेश करो। तो ये देखो आप पैराग्राफ के ऊपर देखना, क्योंकि मैंने ये पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखो इसका फॉन्ट ऐसे चेंज हो जाएगा, और ये होता है स्टूडेंट आपका फॉन्ट फैमिली। क्लियर हो गई बात, ये फॉन्ट फैमिली होती है आपके पास। फिर इसी तरीके से स्टूडेंट आपके पास फॉन्ट साइज है, तो फॉन्ट साइज हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। क्या क्या इसकी वैल्यू हो सकती है, देखो मैं आपको यहां से, मैंने आपको थ्योरी क्लास के अंदर जो है बता भी रखा है कि हम देखो फॉन्ट का साइज हम कैसे बढ़ा सकते हैं, XX स्मॉल दे के। ये आप ध्यान रख लेना, स्नैपशॉट ले लेना इसकी, XX स्मॉल, ठीक है। खाली स्मॉल दे सकते हो आप, मीडियम दे सकते हो, फॉन्ट साइज लार्ज आप दे सकते हो इसके अंदर, XX लार्ज आप दे सकते हो, XXX लार्ज आप दे सकते हो, ठीक है कि नहीं। आप यहाँ पे स्मॉलर लिख सकते हो आप, इसमें सब में थोड़ा थोड़ा जो है वो फर्क होगा, ठीक है। लार्जर जो आप इसका फॉन्ट का जो साइज है वो आप पिक्सल्स के अंदर भी दे सकते हो स्टूडेंट, पिक्सल्स और परसेंटेज के अंदर भी आप लिख सकते हो साइज, ठीक है ना। जैसे मैंने देखो ऊपर यहाँ पे जो साइज दिया हुआ है फॉन्ट का, वो परसेंटेज के अंदर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे पिक्सल्स के अंदर भी साइज दे सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो। जैसे मैं देखो पैराग्राफ का साइज बढ़ा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिख देता हूँ इसके अंदर, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट साइज XX लार्ज। तो मैं जैसे इसको देखो रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये जो आपके पास फॉन्ट का जो साइज है ये क्या होगा आपके पास बढ़ जाएगा। अगर ऐसी स्टूडेंट में यहाँ पे इसके अंदर लार्जर लिखता हूँ, जैसे मैंने लार्जर लिखा है, तो लार्जर में देखना आपके पास क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ पे आप जाओगे, मैं लार्जर लिख देता हूँ, और XX को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। रिफ्रेश करोगे आप तो ये देखो लार्जर में इस तरीके से आएगा। तो आप यहाँ पे ये जो आपने दिए इसका सब स्नैपशॉट ले लो, नेहा साहिल अनिश,
ठीक है, इनका स्नैपशॉट ले लो। ये फॉन्ट साइज की आपके पास वैल्यूज होती हैं, साइज को आप पिक्सल्स में भी दे सकते हो। पेपर में एक नंबर के अंदर क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं कि जो फॉन्ट का साइज है कि वो हम पिक्सल के अंदर भी दे सकते हैं क्या, वो परसेंटेज के अंदर भी दे सकते हैं, दोनों तरीकों से आप दे सकते हो। ठीक है जी। और फिर इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे और क्या आती है साइज के अलावा, फॉन्ट स्टाइल आता है। तो फॉन्ट स्टाइल की अगर मैं आपसे बात करूं तो फॉन्ट स्टाइल आप कौन कौन से दे सकते हो। अगर मैं फॉन्ट स्टाइल की मैं बात करूं तो तीन तरीकों से आप दे सकते हो। फर्स्ट हो जाएगा आपके पास इटैलिक, सेकंड हो जाएगा आपके पास ऑब्लिक, ये भी कुछ हद तक इटैलिक से ही मिलता जुलता है, और थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं फॉन्ट स्टाइल भी इस पैराग्राफ के अंदर लगा देता हूं। तो ये देखो मैंने यहां पे फॉन्ट स्टाइल मैंने क्या लगा दिया इसके अंदर, इटैलिक। ठीक है, तो अब आप देखना, रिफ्रेश कर देता हूं। तो ये देखो ये थोड़ा सा आपके पास क्या हो गया, इटैलिक हो गया, एक तरफ झुक गया आपका, स्लैंट हो गया आपके पास। ठीक है, अगर मैं यहां पे इटैलिक की जगह जैसे ऑब्लिक यूज करता हूं, और एक ना कई बार क्या होता है पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से फॉन्ट स्टाइल होते हैं। तो मेनली तो आप पढ़ते हो जैसे बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, कई बार उसमें लिखा आ जाता है कि ऑब्लिक भी होता है क्या, तो वो सीएसएस के रिगार्डिंग पूछा गया होता है। ठीक है कि नहीं, तो ये सीएसएस के अंदर हम ऑब्लिक को जो है वो हम यूज करते हैं। तो देखो अभी तो ये इटैलिक की फॉर्म में ही है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और आप देखो कि आपको कुछ डिफरेंस नजर आता है। देखो ऑब्लिक भी जो होता है वो इटैलिक से काफी हद तक मिलता जुलता होता है इसमें। ठीक है, बट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ द व्यू से देखा जाए तो आपके पास तीन जो होते हैं फॉन्ट स्टाइल होते हैं, नॉर्मल हो गया, इटैलिक हो गया, और आपके पास ऑब्लिक हो गया। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है इसके अंदर। अगर हम नॉर्मल कर देते हैं यहाँ पे, मैं रिफ्रेश करता हूं यहां से, तो देखो नॉर्मल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको अब इसमें ऑब्लिक का इस्तेमाल करता हूं, तो ये देखो रिफ्रेश में जाओ, ये देखो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो एक आपके पास आता है फॉन्ट वेरिएंट। अब ये फॉन्ट वेरिएंट जो होते हैं आपके पास, ये क्या होते हैं फॉन्ट वेरिएंट, जैसे आपने ये स्मॉल कैप्स ले लिया तो ये आपको कैपिटल लेटर में शो करेगा, थर्ड आता है आपके पास नॉर्मल। तो जैसे मैं फॉन्ट वेरिएंट यहाँ पे यूज करता हूं, मैंने यहाँ पे दे दिया स्मॉल कैप्स, ये सारा मैं पैराग्राफ के ऊपर ये अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसलिए उसी पे इफेक्ट ये अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे इसमें जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो ये सारा का सारा क्या होगा, कैपिटल लेटर्स के अंदर आ जाएगा। तो ये जो होता है आपके पास फॉन्ट वेरिएंट होता है। अगर मैं नॉर्मल लिख दूंगा तो जी आपका ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर आपके पास आता है फॉन्ट, यहाँ पे आ जाता है आपके पास वेट, फॉन्ट वेट आपके पास क्या होता है, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर। ठीक है, फॉन्ट वेट आप जो है वो आप क्या कहते हैं नंबर के अंदर भी लिख सकते हो, नंबर के अंदर आप ऐसे भी दे सकते हो 100, 200, 300, इस तरीके से भी आप दे सकते हो। फॉन्ट जैसे आपने यहां पे 200 दे दिया, नहीं तो आप फॉन्ट वेट आप बोल्ड कर दो, यहां रिफ्रेश कर दो, तो ये देखो जो आपका ये फॉन्ट वेट है ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर बोल्ड हो जाएगा। नहीं अगर आप इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने इसको 500 दे दिया, सेव करता हूं मैं इसको, रिफ्रेश करता हूं, तो देखो ये इस तरीके से नजर आएगा। अगर मैं इसमें वैल्यू बढ़ा देता हूं यहां पे, रिफ्रेश कर दो, तो देखो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो 800, 900 आप इस तरीके से अप टू मतलब 100 से लेकर स्टूडेंट अप टू 900 तक आप इसके अंदर वैल्यू आप दे सकते हो। अगर आप उसके ऊपर देते हो, आप 1000 दे देते हो, तो उससे कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना कि इसमें जो आप वैल्यू है वो आप इसके अंदर 900 तक आप दे सकते हो। ठीक है, तो
सुन, ये जो है मैंने सारा आपको इसके अंदर फॉन्ट प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया। आज मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज कवर करवाई हैं स्टूडेंट, एक तो सीएसएस फ्लॉट प्रॉपर्टी और एक मैंने आपको बताई इसके अंदर फॉन्ट प्रॉपर्टी। ये क्लियर है सबको? इसका भी अगर आप स्नैपशॉट ले लो, मैं साइज इसका छोटा कर देता हूँ यहां से, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। ये लो, ये देखो इसका, यहां से आप स्नैपशॉट ले लो। सक्षम, आप इतनी देर से क्लास में क्यों ऐड हुए? 10:30 बजे मैंने क्लास स्टार्ट की थी सीएसएस की। ये स्नैपशॉट ले लो इसका। आज मैंने जो है फ्लोट प्रॉपर्टी और मैंने फॉन्ट प्रॉपर्टी मैंने कवर कराई। अब मैं क्लास को बंद करने लगा हूं, तो अब आप सक्षम ऐड हुए, लेट क्यों ऐड हुए आज आप? इसका स्नैपशॉट ले लेना। आपको ये मैंने ऑलरेडी जो है वो प्रैक्टिकल क्लास के अंदर मैंने आपको, मैंने, खैर कोई बात नहीं सक्षम, वेदर डिस्टरबेंस की भी प्रॉब्लम चल रही है, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लास के अंदर बता रखा है फॉन्ट वाला। ये वही कंसेप्ट है, ठीक है? ये देखो लवप्रीत भी जो है अब इस समय क्या कहते हैं ऐड हुए हैं। हाँ किया हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये वही मैंने इसके अंदर प्रॉपर्टी करवाई है। कल जो है आपका संडे का ऑफ रहेगा, इतना अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखो मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको यहाँ क्लास के अंदर मैं बता रहा हूँ, ताकि एक बार सारी की सारी चीजें ना आपकी अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएं, ठीक है? एचटीएमएल का भी रिवाइज आप कर सकते हो। आज ही मैं व्हाट्सएप के ऊपर एक रिवाइज शेड्यूल डाल दूंगा कि क्या क्या क्लास है, ठीक है? एचटीएमएल का भी आप रिवाइज कर सकते हो, सीएसएस का भी रिवाइज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का भी। 11:30 बजे मेरी अब जावास्क्रिप्ट की क्लास होगी, ठीक है? ओके। और लवप्रीत आज आप भी क्या कहते हैं क्लास में, आप भी आज लवप्रीत आप लेट ऐड हुए हो। अब इसका काम क्या करो लवप्रीत, अब इसकी स्नैप ले लो आप। हाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं समझ रहा हूँ। सक्षम ने भी यही बताया कि कनेक्ट नहीं हो रहा था, आपकी प्रॉब्लम को मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, ठीक है? बट अब आप एक काम करो लवप्रीत और सक्षम, इनकी स्नैपशॉट ले लो इस प्रोग्राम की, ठीक है? क्योंकि मेरी अब अगली क्लास भी 11:30 बजे होगी ना, फिर मेरे को उसकी भी प्रिपेयरिंग करनी पड़ती है क्लास की। तो ये स्नैपशॉट इतनी ले लो पहले, फिर मैं आगे इसको कर देता हूँ। आई होप कि आपने इतनी स्नैपशॉट ले ली होगी। अब आप इसकी भी ले लो। और ये सीएसएस फॉन्ट प्रॉपर्टी और फ्लॉट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, जो सक्षम और लवप्रीत आप बाद में आयो, मैं आपके लिए जो है फ्लॉट प्रॉपर्टी भी ओपन कर रहा हूँ जो मैंने आज आपको कवर कराई है। और एक ना इसकी भी स्नैपशॉट ले लो। ये कुछ मैंने यहाँ पे फॉन्ट के स्टाइल बताए हैं लवप्रीत, यहां से ये लो, इसकी भी स्नैपशॉट ले लो। ये फॉन्ट स्टाइल है, ये फॉन्ट के साइज हैं सारे के सारे, ये फॉन्ट के वेट हैं, ठीक है? एक मैंने क्या कहते हैं फ्लॉट प्रॉपर्टी भी कवर कराई है, उसकी भी ले लो। माउस का राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करो यहां से आप। ये देखो, ये मैंने ये सीएसएस फ्लॉट प्रॉपर्टी बताई है। ये इतनी की भी स्नैप ले लो। ये टेक्स्ट है जो मैंने वर्ड से कॉपी किया है, जब वहां हम वर्ड में रेंड लिखते हैं वहां से ये मैंने सारा मैटर कॉपी किया है। इसमें मैंने इमेज टैग के बारे में बताया है। फ्लोट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, आपके पास पिक्चर को राइट या लेफ्ट करना। तो मैं थोड़ा सा स्कोर छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट। ये लो, बस आगे कुछ नहीं, आगे बॉडी और एचटीएमएल ही है बस। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, कि आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा लवप्रीत, और इसमें फोल्डर बना के जो भी प्रोग्राम है, पिक्चर भी आपको इसी में रखनी पड़ेगी। देखो एक पिक्चर मैंने, ये गर्ल नाम की एक पिक्चर है, ये मैंने इस फोल्डर के अंदर रखी हुई है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है? आप नेट से आपको इमेजेस मिल जाएंगी। ये सीएसएस फ्लॉट प्रॉपर्टी का प्रोग्राम भी मैंने एक फोल्डर के अंदर बनाया, फोल्डर का नाम क्या है, टेस्ट है। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा ना, तो देखो
ये पिक्चर राइट साइड में आ रही है आपके पास। क्यों राइट साइड में आ रही है? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो क्या किया है, मैंने यहाँ पे फ्लोट राइट लिखा है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट लिख देता हूँ तो पिक्चर जो है आपके पास देखना यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट साइड के अंदर आएगी। ठीक है कि नहीं? ये मैंने इसके अंदर बताया हुआ है। तो ये दोनों प्रोग्राम, पिक्चर और ये वाला प्रोग्राम जो मैंने इसके अंदर आपको ये सीएसएस फ्लोट वाला कवर कराया है, ये एक ही फोल्डर के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आज की क्लास यहाँ पे यही फिनिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल्स। 11:30 बजे मेरी अब जावास्क्रिप्ट की क्लास होगी। थैंक यू।